पाल पर बिहार राजपूत, उसमें राजपूतों के वंशावली यहाँ पर आपके सामने बोर्ड पर है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि जो राजपूत शासक थे, जिसकी नींव जो है आपका दंती दुर्ग ने डाला था 736 से 756 के बीच में, तो ध्यान रखेंगे रियल में 756 में ही उसकी वास्तविक सत्ता हुई। 736 में उसने हौले हौले एक राज्य का नींव डाला था और 56 में जो है बहुत मजबूत स्थिति में पहुंच गया था, जो अपने उत्तराधिकारी को उन्होंने मृत्यु के बाद नहीं अपने रहते हुए ही सत्ता को सौंपी थी। तो मैं आपको बता दूं कि जो इनकी वंशज थे, ऐसा कई इतिहासकारों ने अलग अलग माना है। ध्यान देंगे अगर आप ऋग वेद पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि सबसे पहले जो भारत में आर्य शक्तिशाली हुए, आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ, और मैक्स मुलर नामक एक विदेशी विद्वान था जो जर्मनी का सपूत था, उसने किया क्या कि जानबूझकर जर्मनी एरिया लिख दिया, हालांकि नेहरी लिखा है पेन का, और उसने क्या किया 50 उपनिषद को पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद पढ़ा होगा दो चार को, लेकिन अपने हवा फिटकरी चलता है ज्यादा, तो कहा कि मैंने 50 उपनिषदों का अध्ययन किया है और उस अध्ययन के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जो भारत में आर्य थे वो भारत के नहीं थे, वो भूमध्य सागरीय प्रदेश के थे, और भूमध्य सागर जानिए रहे कि आपको अफ्रीका और यूरोप के बीच में है, यानी वो साबित करना चाह रहा था कि यूरोप के लोग हैं। ये मेंटेलिटी लंबे समय तक चलती रही कि सब जो भी हुआ वो विदेश से ही हुआ, तो इस तरीके से हम भी विदेशी आए हैं तो क्या दिक्कत है, यही वो साबित करना चाह रहे थे, और इसी उद्देश्य से उन्होंने आर्यों का निवास स्थान वहां बताया। अब उसमें उन्होंने बहुत से अध्ययन किया, आर्यों की बहुत सारी की पुस्तकें थी, ये नहीं कि केवल ऋग वेद था, श्रेष्ठ आर्य शब्द जो है वो श्रेष्ठ होता। उसमें उन्होंने जो लिखा कि ऋग वेद, साम वेद, जुरु वेद, अथर्व वेद के अलावा उन्होंने सरदर्शन लिखा, अठारह पुराण लिखा, 108 उपनिषद लिखा, ब्रह्मन लिखा, अरण्यक लिखा, बहुत सारी चीजें लिखा। अच्छा, बहुत सारी चीजें वे लोग लिखे, पुस्तकें लिखे, अपने विद्वता की लोहा संपूर्ण विश्व को मनवा दिया, तो अब कैसे कहें कि ये योग्य नहीं थे, वो तो लिखित पुस्तक है। उन्होंने दिमाग लगाकर कहा ये विदेशी थे, और इस तरीके से भूमध्य सागरीय प्रदेश होने का उन्होंने दावा कर दिया, यानी घोषणा कर दिया। जो भी हो, अब यहाँ का हो या कहीं के हो, उसे हम लोगों को लेना देना नहीं है। हम लोगों को बस एक पॉइंट पर जरूर सोचना है कि आर्य हमारे श्रेष्ठ थे। अब उन आर्यों में भी उन्होंने दो वर्ग बनाया, एक कहा कि जो सबसे पहले आर्य आए थे उसमें जो है भर संतति के लोग थे सुदास, अब बाद में सुदास जब अनार्यों को उन्होंने मारना पिटना शुरू किया, देखिए कैसे करते हैं, अनार्यों को जबरन जब आर्य बनाने लगे और जब उनकी शक्ति कम पड़ने लगी तो फिर वो विदेश चले गए, यानी ईरान चले गए, और उन्होंने वहां से रघु को, यदु को और रघु को दोनों को लेकर, अनु और अदु, अब अनु से जो है रघुकुल बना और यदु से यदुवंशी बने। उन्होंने कहा कि दोनों क्षत्रिय ही थे। अब जब ये भारत में आए तो जो रघु से थे वो रघुकुल वंश के हो गए, जो भगवान राम के थे, क्षत्रिय राजपूत जादू, और दूसरा कहा यदुवंशी से जादव हो गए। लेकिन एक ध्यान रखेंगे कि इसी यदुवंशियों में से कृष्ण भी थे। आपको शायद पता होगा कि जो कृष्ण के पिता थे उनका नाम था वसुदेव, और कृष्ण की जो माता थी वो थी आपको देवकी, और देवकी के जो पिता भाई थे वे थे कंस, कंस जो थे वो जादव थे, एकदम लिखा हुआ है आप पढ़ लेंगे सभी लोग, तो कंस जादव था, लेकिन जादव होने के बावजूद भी इंटरकास्ट मैरिज होता था। बहुत सारे उदाहरण मिले हैं, त्रिवेदी काल में तो कास्ट था ही नहीं, कर्म के आधार पर था, उत्तरवेदी काल में हुआ तो थोड़ा सा कास्ट जो है जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा, कर्म के आधार पर नहीं। तो वहां दिखाई पड़ रहा है आपको कि बहुत सारी शादियां जो है इस प्रकार की हुई थी। स्वयं देखेंगे आप कि देवकी की शादी जो है, देवकी जब ऑलरेडी
यादव कुल की थी, यदुवंशी थी, तो उसे भी रघुकुल में शादी हुआ, यानी वसुदेव से हुआ, और देवकी और वसुदेव से जो संतान हुए वो कृष्ण थे, तो कृष्ण के मामा हो गए जो देवकी के भाई थे, लेकिन बाद में वहीं से निकाल कर उन्हें देखे नंद के यहां पहुंचाया गया। बाद में नंद और उन यादवों से मिलकर, यदुवंशियों से मिलकर उन्होंने युद्ध किया। अब ये जो वर्णन आया है आपको पुस्तकों में देखेंगे कि जो ये राष्ट्रकूट है इनके बारे में कहा गया है कि महाभारत के युद्ध के दौरान ये भी एक युद्ध में शामिल थे, जो कर्ण के विरोध में लोग लड़ रहे थे या दुर्योधन के विरोध में लड़ रहे थे, उसमें न केवल 5 पांडव थे, इन लोगों के मदद करने वाले भी बहुत थे। उन मदद करने वाले 20 सैन्य दलों में से एक दल का नेतृत्व ये क्षत्रिय भी कर रहे थे। ध्यान रखिएगा इन लोगों को क्षत्रिय भी कहा गया है, ठीक है, क्षत्रिय। तो ये जो थे आपके इन्हीं के वंशज राष्ट्रकूट माने गए हैं। कहा जाता है कि ये अजय थे, इनको हराना मुश्किल था, और उन्हीं के वंशज ये है इसलिए इनको भी हराना मुश्किल था। जो भी हो, लेकिन सभी अपने आप को हमेशा ही श्रेष्ठ से जोड़ने का प्रयास करता है, चाहे वो कोई भी हो। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम सूर्यवंशी हैं, अच्छी बात है। एक तो कि विज्ञान से देखे तो सूर्य से वंश होना संभव नहीं है, क्योंकि सूर्य एक तारा है और वो उसका टेम्परेचर 6000 डिग्री बाहरी भाग में रहता है। लेकिन हाँ, ये कहना संभव है कि सूर्य के ऊर्जा से सब जन्म हुआ हो, तो सूर्य के ऊर्जा से तो सबका जन्म है। सूर्य से विटामिन डी मिलता है, सूर्य से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और इंधन से उसको हम पेड़ पौधे को खाते हैं, जो अपना भोजन संचित, सभी सूर्यवंशी है। कोई एक भी सूर्यवंशी नहीं कैसे है, ये आश्चर्य हो रहा है। वही वाष्प बनाकर ऊपर ले जाता है और इस तरीके से वर्षा करता है जिसे हम पानी पीते हैं। तो हमारे सभी भारतीय अगर प्रकृति से अपने को पूर्वज मानते हैं तो सभी भारतीय आपके सूर्यवंशी हो जाते हैं। इसलिए उस पर ज्यादा फोकस करने की, मैं जो आज करने जा रहा हूं कि ये जो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे या इतिहासों में जोड़ा गया है, ये महाभारत कुल से मानते हैं। ये थे भी, इनके जो किलाबंदी थी बहुत मजबूत थी, बहुत ताकतवर थे। अब रही बात कि इन्हें क्षत्रिय माना जाता है, क्योंकि इन काल को राजपूत काल कहा जाता है। 750 से लेकर और 1250 तक का काल राजपूत काल है। लेकिन राजपूतों पर एक आरोप यह लगाया जाता है, राजपूतों पर यह आरोप लगाया जाता है हमेशा ही कि ये सबसे ज्यादा युद्ध करके और दूसरे जातियों को दबाते रहे, ठीक है। मैं बात को एक मिनट के लिए सही भी मान लूं, और ज्यादातर देखने में आया है कि आजकल सभी जातियां लगभग लगभग अपना जो है जातीय समीकरण से बंध रही है, जातपात कर रही है सभी जातियां, और एक दूसरे के विरोध में है। जो जहां ज्यादा आबादी में है वह अपना वहां मजबूती दिखा रहा है, जो जहां कमजोर स्थिति में है, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, उसको लोग दबा रहा है। प्रशासन नाम की चीज अभी नहीं है। अगर प्रशासन होता मजबूत तो कम से कम इन चीजों को देखता। ये राज्य लेवल की स्थिति नहीं है, आप जाके देख लो हिंदू मुसलमान में भी, जहां 2-4 मुसलमान है हिंदू लोग अत्याचार किए हुए हैं, और जहां मुसलमान जाते हैं वहां वो अत्याचार किए हिंदू सताए जा रहे हैं। इसी ढंग से आप देख लो कि जहां दूसरे जाति के लोग ज्यादा संख्या में हैं, कम जाति वाले को, कम संख्या वाले को तरपा रहे हैं, परेशान किए हुए हैं। तो ये अक्सरहा देखने में आ रहा है, कानून की कमजोर स्थिति की परिणति है। लेकिन अभी लोकतंत्र में हमारे राजेंद्र प्रसाद के संविधान के बावजूद भी, और बड़े पैमाने पर विश्व के 14 देशों के संविधान और प्रत्यक्ष रूप से 9 देशों के संविधान अध्ययन के बावजूद भी ये स्थिति है। लेकिन राजपूतों के काल में जान लेना स्त्रियों का शोषण नहीं हुआ। कैसे? क्योंकि आप सुने होंगे कि सबसे घटिया राजपूत किसी को माना गया है तो वो जयचंद था।
आज भी उदाहरण दिया जाता है, लेकिन वह भी अपने पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर किया था। वो गाय की खुटा की तरह लड़का को खोज कर बांध नहीं दिया था, बल्कि बच्ची को ऑप्शन दिया था कि तुम अपने पति का वरण खुद कर सकती हो। सोचिए, राजपूतों में स्वतंत्रता थी महिलाओं की, वो पढ़ा लिखा करती थी। काश्मीर में उसी राजपूत काल के बाद में भी रानी विद्या का नाम सुने होंगे, लोहार वंशी, लोहार जाति से नहीं लेना देना, वो भी राजपूत ही थे। तो उन्होंने शासिका बनी, यहां तक कि गुजरात में चालुक्य शासक में नायिका देवी महिला थी, और देखे होंगे गोरी को लड़कर पराजित कर दी। यहां तक कि क्षत्रिय कन्याओं में ही ताराबाई आपको मिलेगा मुगल काल के दौरान, जब औरंगजेब था, राजा राम की विधवा, वो भी युद्ध क्षेत्र में जाती थी और उसने भी नेतृत्व करके और औरंगजेब का जो है दांत में जो है या नाक में जो है बाल उगा दी थी, यानी दांत खट्टा कर दी थी। हालत खराब था औरंगजेब का। ऐसा नहीं है कि क्षत्रियों ने स्त्रियों को सताया है, ऐसा तो कोई उदाहरण नहीं है। उन्हें पढ़ने का अवसर दिया, विकास का अवसर दिया। हाँ, उनके युद्ध की पद्धति जो थी वो सुनेंगे तो आश्चर्य करेंगे। इतिहास उठा के देख लो, एक भी राजपूतों ने किसी गैर राजपूतों से कभी संघर्ष नहीं किया, कभी नहीं। तो कैसे कहते हैं कि उसने दूसरे को सताया? कहीं नहीं मिलेगा कि एक राजपूत ने कहीं शिरुल कास्ट पराक्रमण किया हो, कहीं नहीं मिलेगा कि किसी शिरुल ट्राइब पराक्रमण किया हो, कहीं नहीं मिलेगा कि वो यादवों के खिलाफ आक्रमण किया हो, कहीं नहीं मिलेगा कि वो कायस्थों के खिलाफ किया हो, कहीं नहीं मिलेगा कि भूमिहारों के खिलाफ किया हो। क्षत्रियों ने अगर लड़ा किसी से तो केवल क्षत्रिय से लड़े, और मरे भी तो क्षत्रिय ही मरे। ऐसा नहीं कि राजा बैठा रहा और सेना में सारे दूसरे जाति के लोगों को कर दिए। तो ये बेवजह इतिहास न जानने वाले अथवा जो विदेशी लेखक है उनके मानसिकता से लोग समझते हैं कि क्षत्रिय लड़कर और पूरा का पूरा संपत्ति उनका ले लिए, उनका अधिकार ले लिए। पूरे इतिहास उठा के देख लो, स्वतंत्र लेखक भी बहुत थे, एक भी कहीं उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि इस जाति के लोगों ने किसी की संपत्ति लिया हो, किसी का हरण किया हो, कहीं दबदबा दिखाया हो, किसी का नुकसान किया हो, किसी की क्षति की हो। इन्होंने क्षति अगर किया तो अपना किया, इन्होंने जौहर प्रथा का अनुसरण भी किया तो किसी दूसरे जाति के स्त्रियों को इन्होंने नहीं जलाया, अपने परिवार की स्त्रियों को ही कहा कि अपने सतीत्व की रक्षा के लिए आप अग्नि को समर्पित चाहो तो हो सकती हो। ओके भाई, कमला देवी नहीं हुई तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी बनी, सासा सुल्तान उसको अपने साथ रखे। इस तरीके से देवला देवी उसकी बेटी थी, वो भी देखे कि खीर खास से विवाह की, कहां उसको शक्ति के लिए जला दिया गया। ऐसा कुछ नहीं था, स्त्रियां स्वयं अपने सतीत्व की रक्षा के लिए बलिदान दी। तो क्षत्रियों ने विधि व्यवस्था के लिए बलिदान दिया, वैसे ही क्षत्राणियों ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए बलिदान दिया। कहीं भी किसी के शोषण का एक भी साक्ष्य कहीं नहीं मिलता है। बेवजह इतिहासकार इन्हें फिल्म बनाकर बदनाम करते हैं, इन्हें शोषक दिखाते हैं, इन्हें सुदखोर दिखाते हैं, और यही स्थिति यहाँ भी देखने में आती है। यहाँ देखेंगे आश्चर्य करेंगे आप कि दंती दुर्ग ने स्थापना किया, कृष्ण प्रथम ने जब भी लड़ने का प्रयास किया तो प्रतिहार और पालों से, गोविंद द्वितीय भी राज्य का विस्तार किया, ध्रुव ने तो प्रतिहार शासक को हरा कर श्वेत पताका भी लाया, गोविंद तृतीय जो है अपने राज्य के विस्तार के लिए पूरा परिवार को जोड़ दिया था, और अमोघ वर्ष का तो क्या कहना। मैं इस अमोघ वर्ष के पास ही हम आ रहे हैं आपको, ये अच्छा खासा लगभग 50-52 साल शासन किया था, और इस 50 साल के शासन में एक बार इसके राज्य में छोटी माता बड़ी माता चिकन पॉक्स फैल गया, जैसे जैसे अभी कोरोना फैल गया। तो मोदी जी अपना बलिदान दिखाए कि भाई दाढ़ी तब तक नहीं बनवाए जब तक कि कोरोना कंट्रोल नहीं हो गया, यानी ये दिखाए। हालांकि बहुत सारी चीजों को मोटिवेशन के लिए उन्होंने किया था, थाली बजवाना, बत्ती जलवाना, ये सब चीजें मल्ली मोटिवेशन और जागरूकता के लिए, यदि थाली बजाने से कोई कोरोना नहीं भागता उनको भी पता हो, उनके सलाहकार इतने बेवकूफ नहीं होंगे, लेकिन ये बजाने से पूछेगा ये क्या बज रहा है, क्या बज रहा है भैया, एक बीमारी फैली हुई है, अंधेरा कर दो तो सब कोई कंसस काहे हुआ, काहे हुआ भाई, बत्ती जला के देखो। तो इस तरीके से लोग कंसस हो जाए, सतर्क हो जाए, संज्ञान में ले लें, इसके लिए ये सब किया गया था। इससे कोरोना भागना होता तो फिर दोबारा क्यों किया जाता, बत्ती बुझा दो। ये केवल जागरूकता के लिए एक कथा, मोदी जी इतने समझदार जरूर है,
अर्थवी देश के प्रधानमंत्री है। अब रही बात आपको कि इन्होंने इस समय में हुआ क्या कि किसी संत ने कह दिया, ये जैन धर्म के थे और जैन धर्म के लोग आप जानते हैं कि नाक पर भी कुछ लगा के रखते हैं, आप लोग इधर मास्क सेरेमनी लगाइए, कोरोना के डर से नहीं पॉल्यूशन हो गया है, बारिश नहीं होने के कारण लंबे समय से क्या हो रही है, धूलकण हो रहा है, गाड़ियां बहुत चल रही है और धूलकण के महीन कण जो है बहुत ऊंचाई तक, मैंने 300-400 मीटर ऊंचा तक चला गया है धूलकण। ऐसी स्थिति में हमारे लंग्स जब तक वर्षा नहीं हो रही है जमकर, तब तक ये धूलकण जमीन में मिट्टी पर आएगा नहीं, और नहीं आएगा तो निश्चित रूप से लंग्स में जाएगा, हमारी परेशानियां बढ़ेगी। तो इसलिए थोड़ा सा जब भी बाहर निकलिए तो मास्क लगा लीजिए और चश्मा में बताऊंगा हरा फ्रेम का लगाइए, इससे आंख पर जो है सीधे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ग्रीन फ्रेम का चश्मा ले लीजिए और काला चश्मा लगाइए, रोशनी भी ज्यादा है जिससे आंख पर प्रभाव पड़ता है, ज्यादा प्रकाश जो रेटिना पर जाएगा तो रेटिना थोड़ा प्रभावित होगा। तो बाहर निकले नहीं और निकलते हैं तो कम से कम इन चीजों का ध्यान जरूर रखिए, चूंकि अभी अकस्मात भीषण गर्मी देख रहे हैं आप, अभी आधा भी नहीं हुआ, 14 अप्रैल अम्बेडकर साहब की जयंती है, इसकी जानकारी दें। तो के बारे में बता रहा था, ऐसे ही कुछ चीजें उसके समय में हुई। अब सभी लोग चिंतित हो गए, तो ब्राह्मणों ने एक बात कही थी कि आप अगर देवी माता को बलिदान दोगे तो कहीं से किसी जीव का वध करके दे दोगे तो फिर देवी जी रुक जाएगी और चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स जो हो रहा है वो नहीं होगा। पूरे राज्य से मांग उठने लगी और जब पूरे राज्य से मांग उठने लगी तो बड़ी विचार किया कि करें क्या, किसका बलिदान दें, हम तो किसी की हत्या नहीं कर सकते। तो अंधता आपने कहा कि माता जी को कितना खून चाहिए, तो हुआ कि एक कटोरी खून चाहिए, तो अपना उसने तलवार निकाला और अपने उंगली कानी काट दिया और एक कटोरी खून दे दिया। अब आप बताओ जो राजा ने बलिदान देने की बात ही किसी मंत्री को भी कह सकता था, किसी और को भी कह सकता था उंगली काट दो, माचिस की तिल्ली से छोटी सी जल जाती है तो आह करके लोग भाग जाता है। शब्द तो केवल समाज में हल्का सा अंतर है तो लोगों को इतना प्रतिद्वंदिता है, आज जो अपना देश के लिए गर्दन कटवा लिया, जो अपने देश के सारी स्त्रियां भस्म हो गई, उनके बारे में कोई सम्मान नहीं है, जो आज भी मर रहे हैं बॉर्डर पर, सबसे ज्यादा बलिदान देना है तो इसी परिवार के लोग जाके मर रहा है, इनके लिए कोई सम्मान नहीं है और कहा तो हमारा प्रतिष्ठा समाज में कम है, तो हमें गलत किया गया। प्रतिष्ठा समाज में कौन कम दिया, कौन आपको लिखा कि आपको कम प्रतिष्ठित हो, सब प्रतिष्ठित है, सब लोग आगे हैं। तो एक माचिस की तिल्ली से अगर जल जाता है तो लोग परेशान हो जाते हैं और टुकटुक टुकटुक रोने लगते हैं, अगरबत्ती छुआ जाए तो लगता है प्राण निकल गया, आज जो अपने छोटे छोटे गोद के बच्चों को लेकर अपने माँ और भाई के साथ आग में समा गए इस देश के संस्कार की रक्षा के लिए, उनके बारे में कोई चिंता नहीं है। और ये नहीं कि हिंदुओं ने लिखा झूठ लिखा, बल्कि अमीर खुसरो ने लिखा, मुसलमानों ने लिखा और सब ने लिखा, आंखों देखिए अमीर खुसरो ने लिखा था कि जब हम राजस्थान के अभियान पर अलाउद्दीन खिलजी के साथ जाते थे तो तब तक युद्ध की संभावना नहीं थी जब तक कि धुआं नहीं उठता था, और जब धुआं उठने लगते थे तो हम लोग समझ जाते थे कि स्त्रियां सतीत्व का अनुसरण कर रही, अग्नि की हवाले हो रही है, जौहर कर रही है, इसका मतलब है कि थोड़े देर में वहां से सारी सेना निकलेगी। हर बच्चा लड़ते लड़ते युद्ध के मैदान में इस देश के संस्कृति के लिए बलिदान दे दिया। क्या इस देश के लोगों में थोड़ा भी जमीर नहीं है कि उनके प्रति सम्मान प्रकट कर सके, उसी में से ये अमोघ वर्ष है। जो अपनी उंगली काट कर किसी और को कहा कि खून क्यों एक बूंद भी छुएगा, मेरी अपनी रक्त अगर देवी प्यासी है तो मैं अपना रक्त दूंगा, और अपनी उंगली काट कर दिया, लेकिन उन्होंने जैन धर्म का अनुसरण किया, अहिंसा का अनुसरण किया और इस तरीके से राष्ट्रकुट शासकों ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि देश की जनता की क्षति के लिए हम नहीं बने हैं, अपनी क्षति करके देश की जनता की रक्षा के लिए बने हैं। इस इतिहास को समझने की आवश्यकता है, इसे जानने की आवश्यकता है। आधे अधूरे जो मन में पाला जा रहा है रावण चंद्रशेखर जैसे, मिलता तो 20 जूता देते हैं हम उसको ठंडाइए जाता, इरे चुट्टा तेरे घर की एक आदमी निकल के देश के लिए जिस दिन बलिदान देगा सैल्यूट है, तुम्हारे घर के तो घर पर बंद रहते हैं और इसके बावजूद भी दूसरे के तुम मजाक उड़ाते हो, ये सहने वाले हम हैं जो तुम्हारे सारे मजाक को सहते हैं, लेकिन एक दिन आएगा जो सत्य बताया जाएगा तुम्हारे सामने।